वो अपना भी मुद्दा भूल गए कि मैं रोजगार मांगने आया हूँ। वो नहीं 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 सुखबीर भाई जिंदाबाद डर रहे, तभी ईडी सीबीआई को आगे कर रहे हैं। क्यों डरेंगे जब मोदी जी ने गेम हैक कर रखा, क्यों डरेंगे? आपको भैया ना कपड़ा मंत्री ना रेल मंत्री, बस एक ही मंत्री और वो भी एक ही गारंटी, मोदी जी की गारंटी। मैम इन्होंने काला चश्मा नहीं लगाया है, हो सकता है कि चश्मा लगा, चलिए हम भी अनुभव का चश्मा लगा लिए। जनता को जागरूक करते हैं ना बहन, आप पत्रकार हो और आपसे जो मोटी मोटी जो पत्रकार है, उन लोगों का टक्कर कोई लेना चाहता नहीं है, मैं ऑन कैमरा सामने कह रहा हूँ। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में तो कोई बचा नहीं है, क्या लग रहा है फिर मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, ये क्या बदलाव हो रहा है? देखिए बात जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई बचा नहीं है, इंडिया गठबंधन में, ऐसा कहना आपका गलत है। इंडिया गठबंधन में अभी भी हैं खड़के साहब, हैं बहुत अच्छे, वो भी नेता हैं, राहुल गांधी हैं, और कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव ये सब वगैरह सब बहुत सारे नेता है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। कह रहे मोदी जी की टक्कर लेने वाला है इस बार 24 में कोई नहीं। मोदी जी का टक्कर तो ऐसे भी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि चोर लोगों का टक्कर कोई लेना चाहता नहीं है, मैं ऑन कैमरा सामने कह रहा हूँ। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि आखिर किस कारण मोदी जी को वोट दिया जाए, हमें ये तो बताइए। विकास के कारण, कह रहे विकास बहुत किया है 9 साल में। अभी हमें कोई बताए कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा शख्स हो जिसका नाम विकास हो और वो बताए कि प्रधानमंत्री जी विकास किए हैं, कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है, ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है। 70 सालों में जो नहीं हो पाया वो 9 सालों में हो गया। आपको मैं बता दूँ 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, इसी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जब शीला दीक्षित नेता थी, ठीक है ना, तो आप देख लो दिल्ली के अंदर में जितने भी सारे झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं जो आज के डेट में बने हुए हैं वो शीला दीक्षित का देन है। आज के डेट में ये भी हमको पता चला है कि बीजेपी वाले कुछ नेता लोग पुलिस के द्वारा वो झुग्गी झोपड़ियाँ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी गरीबों को मारने वाला काम किया जा रहा है, तो कैसे भाजपा को और बीजेपी को वोट दिया जाए? गरीबों के मसीहा कहा जाता है उन्हें, अगर गरीबों के अगर वो मसीहा रहते हैं तो हमारे कहने का मतलब उन्होंने जो वादा किया था गरीब लोग से कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो शायद हमारी जनता को मिलती ये चीज़, लेकिन गरीबों के मसीहा तो है नहीं, वो तो अंबानी अडानी के मसीहा हैं, तो कैसे मान लेगा गरीब आदमी की वो मसीहा है? यार इस बार मौका देके देखिए, क्या पता हो जाए दोबारा। नहीं भैया इस बार अगर मौका दिया जाएगा ना तो जनता का भी लोटिया डूल हो जाएगा और देश का भी लोटिया डूल हो जाएगा। जो भी देख रहे हैं हर एक चीज़ हकीकत में अभी तक से प्राइवेट हुआ है, 50% 100% प्राइवेट हो जाएगा और सब कुछ बिक जाएगा। प्राइवेट में क्या दिक्कत है? प्राइवेट में दिक्कत ये है मैडम कि उसको बिकने का ज़्यादा चांस रहता है, सरकारी बिकने का ज़्यादा चांस जी, क्योंकि सामने वाला जब ज़्यादा पैसा कमा लेगा ना तो कहेगा अब इस चीज़ को हम देंगे नहीं, अब हम इस चीज़ अंकल जी सही कह रहे हैं, कह तो ठीक रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, देखा जाए तो आज के हिसाब से। आपको क्या लगता है फिर 24 में इस बार कौन आ रहा है? जी आने का तो उन्हीं को चांस है, मोदी जी का आने का तो मोदी जी का ही चांस है, मोदी जी का चांस है। देखिए विरोध कर रहे, कह रहे 9 साल में कुछ भी नहीं किया मोदी जी, ऐसा तो नहीं है करेंगे, लेकिन करेंगे सही, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, आगे इन्हें ठीक करना चाहिए, आगे इनको ठीक करना चाहिए था। अब ऐसा ना हो कि किसी नेता को चुनाव के टाइम में अंदर डाल दो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डाल दिया चुनाव के टाइम पे अंदर, केजरीवाल की बात कर रहे हैं। हाँ क्या वो जनता के डाले पास बता रहे? केजरीवाल को जो डाला गया है जेल के अंदर में, चाहे किसी वजह से, दिल्ली की जनता इसका फैसला करेगी और बीजेपी को हमेशा इसका दंड सजा देगी, और ये बात केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जनता कह रही है कि सही किया उन्हें, जाएगा जा चुका है ये बात, और इसके लिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को जेल नहीं होना चाहिए था, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैम वो तो हाईकोर्ट ने भेज दिया जेल, जो चोर था उसे जेल भेज दिया, वो पड़ा और निकलेगा भी नहीं, चोर बता रहे हैं केजरीवाल। देखिए जबरदस्ती का किसी को चोर नहीं बनाया जाता है, नेता लोग तो होते ही हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ घोटाला करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको 16 आना उसको है ना गुनहगार ठहराएं, और कहने का मतलब है उसको जेल के अंदर डाल दे, भाई मुख्यमंत्री है, चलो तुम्हारी मर्जी, ओके ठीक है। तो ये कहने का होता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी भी है समय इलेक्शन का, ठीक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक की पूरी कोशिश है जनता की कि केजरीवाल को जेल नहीं होना चाहिए था, अगर हुआ है तो इसका जनता विरोध करेगी प्रधानमंत्री का कि केजरीवाल को निकाला जाए। अच्छा ये विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, कह रहे हैं 9 साल में कुछ भी विकास नहीं किया गया, केवल विकास के नाम पर प्रचार किया गया। मैम इन्होंने काला चश्मा नहीं लगाया है, हो सकता है काला चश्मा लगा कर, काला चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरे तो सफेद व्हाइट चश्मा पहना हुआ है मैंने, और केजरीवाल झूठ की राजनीति से सत्ता में आए, उन्होंने अन्ना हजारे को अपना गुरु जैसे बताते हैं, अन्ना हजारे को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, अभी भी नैतिकता के आधार पर अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और अपनी पत्नी को प्रमोट नहीं कर रहे बिल्कुल, क्या उनकी पार्टी में कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि किसी को भी मुख्यमंत्री बता दूं? काला चश्मा लगा लिया इन्होंने, अभी तो नहीं दिखा मैम, नहीं लगाए हुए हैं काला चश्मा, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि चश्मा लगा, चलिए हम भी अनुभव का चश्मा लगा लिए, केजरीवाल का काम देखते होते हैं तो चश्मा हटा लेते हैं, ये
अगर मोदी जी दिखाई देते तो काला चश्मा लगा लेते इन लोगों की फितरत है ये चश्मा साफ कर रहे बिल्कुल ये अब केजरीवाल के बारे में बोलेंगे ये तो इन लोगों की फितरत है और ऐसे ही लोगों को मोदी जी ने जेल में भेज दिया हाईकोर्ट ने मोदी जी ने जेल में नहीं भेजा है ये हाईकोर्ट ने भेजा है और जितने भ्रष्टाचार करे चोरी करी अभी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी अभी राघव चड्ढा भी जाएंगे अभी आतिश भी जाएंगी अभी बहुत सारे लोग ऐसे जो सलाखों के पीछे जाएंगे और अच्छा हुआ कि आप ये राहुल गांधी और गठबंधन जो कर रहे थे आप विश्वास करिए ये सिर्फ लूटने के लिए कर रहे थे लूटने के लिए हो रहा था लूटने के लिए मैम सुनिए क्या सुनिए 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 मेरी बात सुनिए मैं क्या मैं इनके लिए क्यों लड़ूंगा मैं इनके लिए क्यों लड़ूंगा लेकिन मोदी जी लड़ रहे हैं ना आप ये बताइए क्या ये इतना दयालु हो गए कि भारत की जनता के लिए जेल भी जा रहे हैं और सब कुछ मतलब झेल रहे हैं ये कुछ ना कुछ स्वार्थ है 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है इन्होंने कोई ऐसे ही बना लिया स्वार्थ है 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया बीजेपी में क्या भाव चल रहा है लगा क्या भाव चल रहा है भाई बता बीजेपी में देखिए अब मोदी जी ने बहुत आगे तक का मैसेज दिया है उन्होंने कहा है कि जब मैं इन लोगों को सजा दिलवा रहा हूँ तो अपने सांसद और विधायक देखिए अपने अपने सांसद विधायकों के लिए भी मैसेज दिया उन्होंने कि आप लोग भी भ्रष्टाचार ना करें बिल्कुल आप लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर दूसरी अगर पार्टी कभी आती है पहली बार तो आएंगी नहीं अगर आई भी तो फिर आपको भी उन्हें भी अधिकार है कि तुम लोग भ्रष्टाचार करोगे तो तुम भी जेल जाओगे तो अपने सांसद विधायक के लिए ऐसा नहीं है कि उनमें उसमें भी दूध के धुले हुए हैं भाजपा में भी दूध का धुला हुआ ज़्यादा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति भाजपा में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता भरे हुए हैं ऐसा विरोध कर रही है कौन कह रहा है जनता कह रही है वो काले चश्मा वाली जनता कह रही है देखे ठीक है जो जो बिल्कुल पर्दा नहीं लगा हुआ है अब मान लो कुछ लोगों को अंधभक्त बोलते हैं मैं मैसेज पर पढ़ता हूँ तो अंधभक्त अरे अंधभक्त क्या है हमने जो देख रहे हैं जो फेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं आप हमारे अच्छा कंगना रनौत जी मंडी से टिकट मिली है क्या कहेंगे देखिए कंगना रनौत जी को मंडी से टिकट मिला है तो सबसे पहली बात है कि वो एक हीरोइन है ठीक है ना अभिनेत्री है तो अभिनेत्री ही अच्छी लगेंगी वो चाह रही है कि अगर कुछ बनना मुख्यमंत्री बनना या कोई भी ऐसा पोस्ट लेना ये कहने का मतलब है तो ये इतना आसान नहीं है महिलाओं का सम्मान सबसे पहले ये सही बात है और भी लोग थे लेकिन ये कंगना रनौत जी को ही क्यों मिला हमें तार बहुत गहरी जुड़ी हुई है उनसे कुछ बात ऐसी होती है कि बताया ऑन कैमरा नहीं जाता है ठीक है चुनाव आ रहे हैं फिर कुछ हो रहा है बदलाव देखिए जिस हिसाब से देश चल रहा है तो देश जो है बड़े असमंजस में है कि बदलाव होगा या नहीं होगा क्योंकि जनता अपने मुद्दे उठा ही नहीं रही है जनता इसलिए नहीं उठा रही है कि 140 सांसद संसद से बाहर निकाल दिए जाते हैं आवाज उठाते हैं तो कोई मुख्यमंत्री अगर अपनी आवाज उठाना नहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना कहते हैं सुनो एक उपराष्ट्रपति पूरे देश की आवाज नहीं है इस देश की आवाज है जनता जनता भी देश जनता राष्ट्रपति भी जनता की वजह से है प्रधानमंत्री भी जनता की वजह से है और जनता के जो नुमाइंदे हैं वो सांसद हैं राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते वो पार्टियां चुनती हैं वो मोदी जी ने चुन रखा है उनको ठीक है तो इसी तरीके से जब 140 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं मुख्यमंत्री कोई अपनी बात कहना चाहता है वो अपनी आवाज़ नहीं पाट रहा है देश का किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है उनकी नहीं सुनी जा रही तो हम किस खेत की मूली हैं हम किस खेत की मूली हैं अभी अगर हम अपनी आवाज़ उठाने लग जाएं अभी पुलिस वाले भाई आ जाएंगे अभी डंडे मारने लग जाएंगे कहेंगे आप धारा 144 लग गई आप जब नेताजी आते हैं चुनाव में तो वोट मांगते हैं हमसे लेकिन जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कहते हो तुम जो अपराधी हो तुम गुंडे हो भागो यहाँ से वही नेता कौन से नेता के सत्ताधारी नेता विपक्ष तो डंडे थोड़े ना बजाएगा पुलिस किसकी मानेगी जो सत्ता में है जनता किससे आवाज़ करेगी जो सत्ता में है मैं राहुल गांधी से अभी मांग करता हूँ राहुल गांधी जी आप यहाँ पे मेट्रो चलवा दो चलवा देंगे है क्या वो मुख्यमंत्री हैं क्या हैं मंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं नहीं है कुछ अब मंत्री कौन है बीजेपी के नेता बीजेपी है मोदी जी एक बात बताओ पहले हमें कपड़ा मंत्री का पता होता था उद्योग मंत्री का पता होता था रेल मंत्री का पता होता था अब ये बता दो कोई भी बीजेपी का भाई मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ किसी से पूछवा दो कि कपड़ा मंत्री कौन है आप तो भैया ना कपड़ा मंत्री ना रेल मंत्री बस एक ही मंत्री और वो भी एक ही गारंटी मोदी जी की गारंटी समझे नहीं देश का कहीं हम जनता सब मिलकर अभी हम सारे मिलकर श्री राम मोदी जी ने हमें सिखाया है उससे पहले हमारे पिताजी थोड़ा बोलते थे राम उन्हें पता ही नहीं था राम क्या है वो तो अब आगे पता चला है कि हम राम को जनता जागरूक नहीं है मोदी जी उन्हें सिखा रहे और वो सीख रहे मोदी जी जनता को जागरूक नहीं करते जनता को जागरूक करते ना बहन आप पत्रकार हो और आपसे जो मोटी मोटी जो पत्रकार हैं कभी आपने एक पत्रकार का नाम दिखा दो बता दो
कि मोदी जी का उन्होंने वो इंटरव्यू लिया हो, वो इंटरव्यू देते ही नहीं, वो अपना अपना भाषण दे देते हैं लिख के, ये पूछो वो पूछ लेते हैं, अपनी अपने मन की बात कहते हैं, जनता की मन की बात सुनते नहीं है, समझे नहीं बात कर। तो देखिए ये जो सारा का सारा मामला चल रहा है वो सारा लिखित भाषण अपने पहले से ट्रेंड होके बोलते हैं, समझे नहीं, और उसके हिसाब से चलते हैं। जनता के मुद्दे उनको कुछ नहीं पता, जनता का मुद्दा पता होता तो एक बात बताइए, ये 900 रुपये का सिलेंडर नहीं होता, ठीक है, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, 40 रुपये आटा हो गया, ठीक है, जब चुनाव आता है तो कम कर देते हैं, फिर चुनाव निकल जाता है फिर आगे बढ़ा देते हैं, तो ये क्या है, जनता की आवाज़ नहीं, उनको उद्योगपतियों की, अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो 9 साल से जनता उन्हें क्यों मौका दे रही है? जनता नहीं मौका दे रही ना, वो ईवीएम मौका दे रही है, वो ईवीएम मशीन मौका दे रही है। अब जब आप कहोगे कि भैया अगर ईवीएम है तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत गई, बनाई किसके सरकार में गई है? आप एक बात बताइए, आप ये माइक मुझे दो, ये आपने आपका माइक है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी पत्रकारिता कर रही है, ये माइक मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस भाई के कहता हूँ, मेरा नाम बोल भाई सुखबीर, सुखबीर भाई जिंदाबाद, अब ये सारे के सारे जो है ना इस माइक में, अब मैं वो क्या कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो नारे लगा रहे हैं मेरे नाम के, वो अपना भी मुद्दा भूल गए कि मैं रोजगार मांगने आया हूँ, वो नहीं 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 सुखबीर भाई जिंदाबाद, ये नहीं समझ रहा सुखबीर भाई जिंदाबाद, बस क्या कहेंगे चाचा जी, सही कह रहे हैं क्या? देखो भैया अब मोदी की कोई हवा नहीं है, अब जनता बाहर वालों को पसंद नहीं करेगी, यहाँ तक हेमा मालिनी तक के पोस्टर लग गए हैं वहाँ पे, अब वो बाहर वालों को जनता पसंद नहीं करेगी। क्या लग रहा है आपकी क्या राय है, 24 में आ रहे हैं मोदी? अब नहीं मैं कह रहा हूँ, पहले भी दस साल में जनता, 10 साल पहले भी जनता ने बदल दिया था ना, इसका चेहरा काम नहीं आएगा, इनका अपना सर्वे कहता है 2-2 दिन नीचे आएंगे। विरोध जनता कभी नहीं करती, सुनो मैं जनता हूँ, मेरा तो एक ही, जब वोट डालता हूँ ना वहाँ जाके पता चलता है कि हम विरोध कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, हम 10 लोग जा रहे हैं, 10 में से 8 कह रहे हैं मैं नहीं दे रहा इस मोदी को वोट, क्यों नहीं दे रहा भाई? अरे यार काम धंधा चौपट हो गया, तू क्यों नहीं? अरे भैया मैं यूपी जा रहा था कोरोना में, सुनो कोरोना में मैं गाँव जाना चाहता था, मेरी रेलगाड़ी बंद कर दी, बस बंद कर रही, मैं नहीं दे रहा मोदी को, समझे नहीं? अरे भैया तू क्यों नहीं दे रहा? अरे मेरा किसान भाई वहाँ बैठा रहा, सुनता नहीं है, मैं नहीं दे रहा मोदी जी को वोट। सारे कह रहे हैं मोदी जी को वोट नहीं दे रहे, उसके बाद रिजल्ट आया था मोदी जीत गए, उसके बाद हम जो मांग कर रहे हैं भैया कि भैया हम वोट दिया ही नहीं हमने मोदी जी को, ये मशीन हटाओ, तो क्यों नहीं हटाते? एक बच्चे को पास या फेल करते हैं हम। अब देखो मेरा बच्चा क्लास में गया, अगर वो 9वीं क्लास में है, उसने पेपर सही नहीं दिया, वो फेल हो गया तो 9वीं से नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, नेता बेकार है, खराब है, फिर जीत जाता है, फिर 5 साल फिर आ जाता है। अरे भैया कोई खराब है, जैसे हमारे बच्चे 1 साल पढ़ते हैं और वो अगर पेपर सही नहीं दे रहे तो हट जाते हैं, तो इनको भी हटना चाहिए। 10 साल हो गए हैं, करा क्या यार इस देश का, देश पे 2,205,00,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 54,00,000 करोड़ कर्जा था, कर्जा देश में कर दिया, नहीं जो बच्चे लाखों बच्चे श्री राम बोल रहे थे उन बच्चों के पेपर लीक हो गए, 1.5 करोड़, 20 करोड़ की आबादी में से उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर लटक गया। की जाएगी क्या, मतलब क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई? मेरे को बस में से कोई धक्का दे दे गुंडा, ठीक है, मैं मेरे चोट लग गई है, अब उस पर गुंडे पे कार्रवाई करेंगे, पुलिस में गया वो छोड़ दिया, क्या कार्रवाई हो गई? गरीबों के मकान तोड़ के दिखा देते हैं कि गुंडों के मकान तोड़ रहे हैं हम, गुंडे तो मौज ले रहे हैं, नेताजी मौज ले रहे हैं, ऐसा है। हम लोग जो कहते हैं ना कि कांग्रेस बस खत्म हो गई, मोदी जी आगे बढ़ गए ना, तो केजरीवाल का बिगड़ने वाला, सुनो करोड़ों रुपये कमा के बैठा है, 10 साल साथ पुस्तक खाएंगी बैठ के उसके बच्चे, राहुल गांधी है कांग्रेस को 20 साल और जितना कमाया भ्रष्टाचार, सुनो मैं बेटा सुनो कि राहुल गांधी है 20 साल मत लेके आओ कांग्रेस को, उसके नेता राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगड़ता, सुन लो पैसे हैं, बिगड़ना सिर्फ हमारे को है, हमारा कैसे, आज 35 रुपये किलो आटा है, और मोदी जी आ गए 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है, अब जो है जो 70 साल में 10 रुपये बढ़े और वो 9 साल में 50 रुपये बढ़ा दे रहा है महंगाई पे, फिर मेरे ही जैसा कोई दूसरा भाई आएगा, अरे भैया कांग्रेस के राज की पुरानी बात कर रहे हो, उस टाइम जो है 30 रुपये किलो आटा था, तो अब देखो हमारी तनख्वाह भी तो कितनी बढ़ रही है, कौन सी तनख्वाह बढ़ गई, पहले 20 साल पहले मैं यहाँ पर मान लो 10,000 रुपये कमाता था, क्या हो गए 50,000, तनख्वाह कहाँ बढ़ रही है, हो गई क्या 50,000? हमारे में से मुझे तो नहीं लगता कोई भाई 50,000 रुपये महीना कमाता होगा, कोई 30 में गुजारा कर रहा है, कोई 20 में गुजारा कर रहा है, महंगाई 4 गुना ज़्यादा, आप यार मैं अच्छा महंगाई हो रही है, 2000 का नोट तरक्की कर रहा है देश, 2000 का नोट कौन लेके आए थे, मोदी जी, क्यों बंद कर दिया, ये देश की तरक्की है या नीचे जा रहा देश, भ्रष्टाचार खत्म, 2000 का नोट चलना चाहिए ना,
अरे देश तरक्की कर रहा है तो 5000 का नोट चलना चाहिए, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि 2000 का नोट लोगों पे था ही नहीं, गायब ही हो गया था। किसी से बोलते 2000 का नोट खुला है भाई, है ही नहीं। क्यों नहीं अब होनी नहीं हुई यार, दुकानदारी नहीं हुई, तू 2000 का नोट दिखा रहा बड़ा। तो उसने सोचा कि यार ये तो बहन जो हमारी बदनामी होगी, 2000 के नोट नहीं है लोगों के पास, तो उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये बुरा हाल हुआ है देश का। नहीं, कर्जे के बारे में बोल दिया, इतना कर्जा हो रखा है, दूसरी कंट्री को उठा देके देख लो उनपे कितना कर्जा है, चीन से कम कर्जा है, चीन आज की डेट में उसकी अर्थव्यवस्था देख लो क्या हो रही है, भारत का नाम कहाँ पहुँच गया, इन लोगों को तो पहुँच गया भारत का, देखिए कहाँ पे है, हर कोई कंट्री आज की डेट में भारत को पूछती है, रूस। हाँ जी, फिर क्या लग रहा है 24 में क्या रहा है आपके, आ रहे हैं मोदी जी वापस? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जो भाई साहब ने बोला कि ईवीएम मशीन जब दिल्ली का चुनाव होता है जब तो घोटाला नहीं करते, वैसे कहते हैं आम आदमी पार्टी की घोटाला कर दिया इसमें। अरे मोदी जी डर रहे हैं तभी ईडी सीबीआई को आगे कर रहे हैं। क्यों डरेंगे जब मोदी जी ने ईवीएम हैक कर रखा, क्यों डरेंगे? देखो हम दोनों भाई है नागरिक, सुनो ये हम दोनों भाई है नागरिक, हम ना नेता के किसी के पक्ष ले रहे, नेता जाए भाड़ में, पार्टियां जाए भाड़ में, जहाँ ये गलत हो इनसे सवाल करो, मैं गलत हूँ मेरे से सवाल करो,